हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। और आज की वीडियो में हम इसको बताने वाली हूँ 32 बस साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग, पेपर ड्राफ्टिंग आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट देखेंगे। तो मेजरमेंट इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लेंथ है हमारा 13 इंच का, बस्ट है 32 इंच का, वेस्ट है 28 इंच का, और बैक नेक हमारा 8.5 इंच पे खुलेगा और फ्रंट नेक 6 इंच का, ठीक है। तो ये हमारा मेजरमेंट है और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पेपर ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ। तो जैसे हम अगर आपका 31 भी होता है बस, तो आप इसी के अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। यहाँ पे कमर में भी कभी कभी 32 के अकॉर्डिंग 25.5 या तो 26 इंच या 27 इंच का होता है कमर, लेकिन ये वाला जो है थोड़ा हैवी है, तो यहाँ 28 है मेरा कमर। तो सबसे पहले हम लोग हमारा जो पेपर या कपड़ा जो जिस पे भी आप कट कर रहे हो, ठीक है, उसको सबसे पहले सीधा कर लेना है आपको। और मैं आपको यही कहूँगी कि नए नए सीख रहे हैं तो पेपर ही ड्राफ्ट कीजिए, डायरेक्ट फैब्रिक पे नहीं कट कीजिए, क्योंकि फैब्रिक आपका कम पड़ सकता है इस तरह से। उसके बाद जैसे हमारा लेंथ है 13 इंच का, तो हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो हम लोग 1 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 14 इंच मैंने ले लिया है। और हम लोग साथ में फ्रंट और बैक दोनों साथ में कटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद अभी हम लोग लेंगे हमारा नेक के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे शोल्डर। तो जैसे हमारा शोल्डर है 8.5 इंच का, तो यहाँ पे हम लोग 5 इंच का लेंगे शोल्डर, 5 इंच का, और आर्म होल लेंगे 5.5 इंच का, और यहाँ से भी हम लोग 5 इंच का ही लेंगे इस तरह से, और स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। यहाँ पे आर्म होल की राउंड देंगे 1 इंच पे। उससे पहले हम लोग मेजर करेंगे अपना बस्ट का, तो बस्ट हम लोग का 32 है, तो यहाँ पे 8 इंच लेंगे। और यहाँ पे और एक चीज फ्रेंड्स, अगर आप किसी के बॉडी का मेजरमेंट ले रहे हो, ठीक है, तो बॉडी का मेजरमेंट जब भी आप लोगे तो थोड़ा सा लूजिंग ही लोगे, बहुत ज्यादा टाइट नहीं लोगे, वरना आप जब ब्लाउज बनाओगे तो आपका जो ब्लाउज है वो भी टाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्जिन का, यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन में दे रही हूँ। उसके बाद हम लोग इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे, राउंड शेप इस तरह से। और जब भी आप आर्म होल का राउंड शेप दोगे, तो उसके बाद आप लोगों को इस तरह से मेजरमेंट एक बार जरूर कर लेना है कि ये कितना आ रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमारा आर्म होल कम रहता है, तो यहाँ से हमें जो लेंथ लेना होता है आर्म होल के लिए, वो कभी कभी आपको 5 इंच भी लेना पड़ सकता है, कभी 5.5 इंच भी, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि कहाँ से आपका जो आर्म होल है वो परफेक्ट बैठता है, ठीक है, कितना लेंथ लेने से वो आर्म होल आपका फीट बैठेगा, उसी के अकॉर्डिंग लोगे, ठीक है। और नीचे से हम लोग लेंगे कमर, जैसे हमारा कमर है 28 इंच का, तो हम लोग यहाँ पे कमर का चौथा भाग लेंगे, प्लस डार्ट के लिए 1 इंच, उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन, और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन में मिला देंगे, और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन में, तो इस तरह से हमें कर लेना है। उसके बाद यहाँ से नेक की चौड़ाई में ले रही हूँ 2 इंच की। अगर आपको यहाँ से पट्टी कम चाहिए, तो आप जैसे अगर आप डोरी बना रहे हो और यहाँ से आपको पट्टी कम चाहिए, तो आप यहाँ से 2.5 इंच भी ले सकते हो, ठीक है, 2 इंच 2.5 इंच भी ले सकते हो, लेकिन उससे जो है नेक गिरने का चांस रहता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे कम ही लोगे नेक की चौड़ाई। उसके बाद 6 इंच पे हमारा आगे का गला खुलेगा, ठीक है। अभी मैं कम ही मार्किंग कर रही हूँ, बाद में जब हम फिनिशिंग करते हैं, हुक की पट्टी लगाते हैं, तो आगे पीछे हो जाता है, आप सबको पता ही है, तो उसी टाइम आपको नेक जो है जितना आपको चाहिए उतना कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेक का भी आपको जैसा भी गला चाहिए वैसे आपको ड्राफ्ट कर लेना है। और उसके बाद हम लोग कट करेंगे हमारा कटोरी जो कटिंग होती है, यहाँ पर मैं 11 इंच लूँगी, और ये हमारा तैयार होगा 10 इंच पे विथ मार्जिन है, ऊपर आपका 1/2 इंच आएगा, और यहाँ पे बेल्ट और जो कटोरी जुड़ेगा उसमें चला जाएगा, तो ये आपका 10 इंच पे जो कटोरी है वो रेडी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हम लोग शेप दे देंगे, और यहाँ पे हमारा जो कटोरी है वो हम लोग यहाँ पे 5.5 इंच की ले रही हूँ मैं, आप यहाँ पे 5 इंच भी ले सकते हो,
5.25 इंच भी, 5 इंच भी देखना है आपको कि कितना आपका कमर कितना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे कमर जैसे मेरा 25 आता या 26 आता तो मैं यहाँ पे 5 इंच का कटोरी लेती या 5.25 इंच का, लेकिन क्योंकि मेरा यहाँ पे कमर जो है वो 28 इंच का है तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच का कटोरी ले रही हूँ। तो इन सब बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने इसमें ये इतना कटोरी बताया था, उसमें इतना कटोरी, कभी कभी हमें कटोरी की जब हम कटिंग करते हैं तो बहुत सारे बातों का हमें ख्याल रखना होता है फ्रेंड्स। जैसे कमर अगर कम ज़्यादा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना होता है। बस्ट भी कभी कभी हैवी नहीं रहता है 32 के अकॉर्डिंग भी, तो उसमें भी आपको कम ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होता है। उसके बाद यहाँ से नेक की तरफ से 1 इंच और यहाँ पे हम लोग इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, यानी कटोरी का शेप दे देंगे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग का जो बस्ट है वो 32 का है और यहाँ पे अभी बस जैसे जैसे हैवी होता है जो यहाँ पे झोल आने की प्रॉब्लम होती है वो भी बढ़ता जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे शेप भी देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अंदर की तरफ मैं 0.25 ही आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई का मार्किंग कर देना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो बेसिक ड्राफ्ट है वो कम्प्लीट हो चुका है। अभी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और यहाँ पे फिटिंग जो होती है हमारी, वहाँ पे आपको कट हमेशा लगाना है इस तरह से, ठीक है। नेक की चौड़ाई में भी इस तरह से आपको कट लगा लेनी है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे मैंने आर्म होल की कटिंग, अभी फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं की है, क्योंकि इसी से हमारा यहाँ पे दो पार्ट निकलने वाला है बैक साइड का भी, तो बैक साइड को सबसे पहले अलग कर लेंगे। तो बेक साइड का पार्ट मैंने अलग कर लिया है। अभी हम लोग फ्रंट आर्म होल और नेक वगैरह सब कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेक साइड का पार्ट और ये बेल्ट भी कंप्लीट हो चुका है। जब आप बेल्ट को कट करोगे फैब्रिक पे तो यहाँ पे आपको 1 इंच प्लस कर देना है, क्योंकि हमने सिर्फ 1 इंच ही प्लस किया था लेंथ में, तो इसके लिए आपको 1 इंच प्लस कर देना है, मार्जिन ऐड करना है, वरना आपका ब्लाउज जो है वो छोटा पड़ जाएगा आगे तरफ से, ठीक है। और ये साइड का पार्ट भी हम लोग का कम्प्लीट हो चुका है। अभी हम लोग कटोरी को बढ़ाना किस तरह से है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जैसा हमारा है कटोरी वैसे ही हम लोग सबसे पहले तो ड्राफ्ट कर लेंगे। सभी में आपको ऐसे ही करना होता है, जैसा हमारा कटोरी होता है वैसे ही हमें सबसे पहले ड्राफ्ट करना होता है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे जो है नए वीडियो बनाने का हमें प्रोत्साहन मिलता है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर कुछ जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो मिले आपके अनुसार कि आपको कैसा वीडियोस यानी चाहिए स्टिचिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने जैसा था कटोरी वैसे मैंने ड्राफ्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे हम लोग सेंटर लेते हैं कटोरी का, जितना भी हमारा कटोरी है उसका सेंटर ले लेंगे। और उसके बाद ऊपर की तरफ हम लोग 1 इंच लेते हैं और नीचे की तरफ हम लोग 1.5 इंच लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो टोटल होगा डार्ट का लेंथ वो 2.5 इंच का होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से 1 इंच डार्ट के लिए और इस साइड से भी डार्ट के लिए 1 इंच लेंगे हम। और यहाँ से हुक और आई पट्टी के लिए जितना आप स्टिचिंग लगाते हो उतना ही आपको लेना है, ठीक है। अगर 1/2 इंच की लगाते तो 1/2 इंच लीजिए, अगर आप 0.25 यानी सिर्फ 1/4 इंच का लेते हो स्टिचिंग में तो उतना ही लीजिए, बिल्कुल भी ज़्यादा मत लीजिएगा वरना कटोरी गला आपका लूज़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं लेना है। मार्जिन वगैरह आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कितना आप स्टिचिंग करते हो उसके अकॉर्डिंग ही लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से शेप दे देना है। और यहाँ पे जो हमारा राउंड आता है सेंटर में राउंड जो आता है वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा जो है राउंड इस तरह से कि गोलाई आपको देना है कटोरी को, इसके चक्कर में आपने बहुत ज़्यादा दूर से राउंड दे दिया। अगर ऐसे करोगे तो उसकी वजह से भी आपका कटोरी लूज़ हो जाएगा, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा राउंड भी नहीं देना है। देखिए आपको कितना अच्छा से शेप बस आपको लगाना है एक, अगर बहुत ज़्यादा गोलाई में नहीं भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा राउंड लेके नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद हुक की पट्टी को यहाँ पे हम लोग 1 इंच की डार्ट वाले लाइन से मिला देंगे और इसको हम लोग सेंटर वाले लाइन से मिला देंगे इस तरह से, और ये वाला लाइन को इस लाइन से मिला देंगे यहाँ पे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे गोलाई में भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आपका यहाँ पे नोक आना चाहिए, गोलाई भी आएगा तो अच्छा लगेगा।
तो इस तरह से हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आप डार्ट लगाते हो तो इस तरह से आपको समझाते, इस तरह से हम लोग फोल्ड करते, तो आप जब इस तरह से फोल्ड करोगे तो यहाँ से सिर्फ आपको 1 इंच लेके डार्ट लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको डार्ट लगाना है। स्लीव्स आपको जितना भी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग लोगे, ठीक है, मार्जिन के साथ। जैसे मुझे स्लीव्स यहाँ पे 3.5 इंच का तैयार चाहिए, तो यहाँ पे मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। हाफ इंच जाएगा नीचे उलट पट्टी के लिए, और हाफ इंच जाएगा मेरा यहाँ पे स्लीव्स को जोड़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे हाफ इंच का मेरा स्टिचिंग में जाएगा, तो उसके बाद से ही मुझे मेजर करना है मेरा मोहरी। तो मोहरी जो है मेरा 5.25 इंच, उसके बाद यहाँ पे मार्जिन का, और यहाँ से ऊपर से मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। नॉर्मली हम लोग 2.5 इंच ही लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा छोटी आस्तीन है तो उसी के अकॉर्डिंग 2 इंच भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। जितना भी आपका मोहरी होता है उससे आपको 1 इंच यहाँ से ज़्यादा लेना है तरह से। और यहाँ पे हम लोग 1.5 इंच का मार्जिन, और उसके बाद इस तरह से यहाँ से शेप देंगे, इस तरह से। कभी भी हम लोग स्लीव्स को इस तरह से नहीं कट करेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह से कट करेंगे तो यहाँ पे काफी बार होता है नोक सी आ जाती है। तो नीचे इस तरह से कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं भी कर रहे हैं तो फिर भी, लेकिन इस तरह से बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए आपका, ठीक है। नीचे की तरफ इस तरह से आएगा, और अभी हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपका मोहरी 11 इंच का है तो यहाँ से भी आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो आप देख लीजिए केप हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कितना केप हाइट आपका सही बैठ रहा है। अगर 2.5 इंच पे अच्छा बैठ रहा है तो 2.5 इंच ले लीजिए। केप हाइट से मेरा ये मतलब है, जैसे यहाँ से हमने मेजर किया इस तरह से 2.5 इंच, तो वो उसको कहते हैं केप हाइट। तो वो आप देख लीजिए, केप हाइट बहुत ज़रूरी होता है। हमारी स्लीव्स परफेक्ट तभी आती है जब आप सही केप हाइट लेते हो। और यहाँ पे निशान के लिए आपको इस तरह से कट लगा लेना है, सेंटर में भी आपको कट लगाना है इस तरह से। और यहाँ पे हम लोग जो हमने हाफ यानी फ्रंट साइड के लिए हम लोग ज़्यादा कट करते हैं, तो भी आपको कट कर लेना है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आर्म होल का जो स्लीव्स होता है आगे का छोटा पड़ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप सही से कटिंग करोगे तो बिल्कुल सही बैठेगा, कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। और इस तरह से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको आप इस तरह से रख के भी देख सकते हो कि आपका सही आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सही आएगा मेरा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से अभी तो यहाँ पे लग रहा है कि कपड़ा पेपर जमा हो रहा है, लेकिन जब आप लगाओगे हाफ इंच की स्टिचिंग तो ये बिल्कुल बराबर से आ जाएगा। फ्रंट साइड का पार्ट भी छोटा बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह से आप चेक करके भी देख सकते हो, जैसे हमारा स्लीव्स ऐसा लग रहा है कि हमारा जो स्लीव्स है वो बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। हाँ, ऐसा है कि जो आर्म होल है फ्रंट साइड का वो 1/2 इंच बढ़ जाता है बैक साइड के पार्ट से, लेकिन स्लीव्स हमारा एडजस्ट हो ही जाता है। तो उस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगी, किसी और स्टिचिंग का वीडियो जिसमें मैं आपको वो समझाऊंगी। सो आज मैंने आपको बताया 32 बस साइज ब्लाउज की कटिंग, पेपर ड्राफ्टिंग। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।